हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ें, उसमें आप मार्क्स कैसे बेटर करें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसका रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि आपकी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, वो वीक होती है। जैसे जो 11th में शुरू के चैप्टर्स दे रखे, जिसमें आइसोमेरिज्म वगैरह है, तो वो चीज़ें वीक होती है, बेसिक वीक होता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट 12th का उठाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक उठाते हैं और कहते हैं यहीं से शुरू करते हैं, इसमें ज़्यादा मेजर पोर्शन दे रखा है ऑर्गेनिक का। तो अब वो 11th में जो पढ़े होते हैं वो भूल गए होते हैं, या फिर उसमें ढंग से नहीं पढ़े होते हैं, तो इस टाइम डायरेक्ट उसको क्वेश्चन करने लगते हैं तो नहीं हो पाता है। ये एक रीज़न है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 11th की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि जो रिएक्शंस वहाँ पे होती है ना, नहीं तो 12th में आपको सारा रटना पड़ेगा। तो वो सब आपने पहले कर लेना है अच्छे से 11th, ठीक है? और 11th की सारी अच्छे से पढ़ के, उसके बाद जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद क्या था, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से पढ़ लिया, फिर क्या होता था, फिर आप प्लस टू का पढ़ो, प्लस टू का शुरू करो, और प्लस टू में वही हाइड्रोकार्बन 11th का पढ़ो, हाइड्रोकार्बन 12th का पढ़ना शुरू करो, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से जाते जाओ, एकदम से ऊपर से ना उठाओ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलो, अच्छे से होगा, आराम से क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, और एनसीईआरटी के तो सारी रिएक्शंस याद रखनी है, ठीक है? को थोड़ा बहुत मैकेनिज्म भी जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता था वो सब भी अच्छे से कर लो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, और सारा अच्छे से सीख लिया, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे तो अपने आप होंगे क्वेश्चंस, और डरना नहीं है, थोड़ा टाइम बाद ना अपने आप होने लग जाते हैं। पहले थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होता है, रख देते हैं कि यार ऑर्गेनिक नहीं करूंगा, ऑर्गेनिक छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, आप कोई भी एक चीज़ छोड़ के जाओ और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ करना पड़ेगा, तो अच्छे से करो, ठीक है? और ऑर्गेनिक के लास्ट में भी कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक के बाद मतलब कुछ एक चैप्टर्स है प्लस टू में, जैसे कि पॉलीमर्स, हाँ, इसके लास्ट में ऐसे कुछ एक चैप्टर्स थे ना, चार पाँच एंडिंग में जो दे रखे हैं, 11th में 12th में जो भी दे रखे हैं एंडिंग में, इनसे एक एक क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल करके एक होता था, तो ये सब जो है ना, एक एक क्वेश्चन आता है इसमें से, और लोग ना छोड़ देते हैं कि कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा, लेकिन उसमें से बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, वो एक एक क्वेश्चन आएगा ना, वो अच्छे से कर लो सही, ठीक है? वही से काफी नंबर खींच लोगे, तो वो ऊपर ऊपर से पढ़ लो, वहां पे देखते कम से कम आपको आइडिया तो हो कि हाँ ऐसा कुछ होता था। तो पढ़ना जरूर है, छोड़ना कुछ नहीं है, अपने आप ऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और कोई डाउट आए, कोई और टिप्स चाहिए हो तो मेरे को डीएम कर देना, मैसेज कर देना, या कोई भी स्टडी कंटेंट चाहिए हो तो मैसेज कर देना, सब अवेलेबल है, सब दे देंगे आपको। चलो, थैंक यू सो मच, और मेरी आईडी है @DrLog31, उस पर मैसेज करना, थैंक यू।